हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सॉरी, देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखेंगे, अपने अपने पर्सन को आप याद कर लेंगे, उनका नाम मन में ले लेंगे ताकि एनर्जीज ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें, आप लोगों से रेजोनेट हो सकें। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। स्ट्रेंथ, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड। देखिए, जितना भी प्रेशर है झेल चुके हैं, जितनी भी टेंशन है उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसको फेस कर चुके हैं, अब बढ़ रहे हैं अपनी सिचुएशन में न्यू बिगनिंग के लिए, अब बढ़ रहे हैं अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, अब बढ़ रहे हैं अपने लिए एक नई शुरुआत करने के लिए। आपके आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे जितने भी प्रॉब्लम्स थी आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं उनको ख़त्म करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। जितना प्रेशराइज थे, बर्डन थी, जितना पेशेंस रखना था उन्होंने रख लिया। अब क्या है भाई, आगे चलो, आगे बढ़ना है, अब बहुत हो गया, अब मुझसे सब्र नहीं होता, मुझसे और पेशेंस नहीं रखा जाता। कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, उन सारे मोमेंट को ठीक करना चाहते हैं जो मोमेंट जो है आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन का माइंड जो है बहुत ज़्यादा ओपन अप हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है, अपनी चीज़ों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अपनी चीज़ों के प्रति जो है बहुत उत्सुकता दिखाई दे रही है। एक नई जर्नी जैसे लग रहा है कि करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और किसी की परवाह ना करते हुए, किसी की भी फिक्र करते हुए ना, कोई 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 कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, मुझे किसी की कुछ पड़ी नहीं है, कुछ नहीं सुना, सेल्फिश होते हुए नजर आ रहे हैं। सेल्फिश फॉर व्हाट? सेल्फिश इन द सेंस कि बस मुझे अब अपने बारे में सोचना है, समाज के बारे में, दुनियादारी के बारे में, इनके बारे में, उनके बारे में बहुत कुछ सोच के देख लिया। अब क्या करना है, अब अपने बारे में सोचना है, क्योंकि अब मुझसे अब ये जो प्रेशर है, जो टेंशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें मुझे जितना फेस करना था मैंने कर लिया हूँ। अब मुझे आगे बढ़ना है, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, अपने लिए सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपने सिचुएशंस को हैंडल करना है, अपने सिचुएशंस को फील करना है, अपने पर्सन के साथ में एक न्यू बिगनिंग करनी है, अपने पर्सन के साथ में नई शुरुआत करनी है, उनको बैलेंस करना है, अपना करियर और रिलेशनशिप को मैनेज करना है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी लेज़ी भी हो रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बस मुझे कुछ करना ना पड़े। कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है, सबकी नहीं हो सकती है यहाँ पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा लेजीनेस मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि लेज़ी हो रहे हैं कि मुझे कुछ करना तो ये सब कुछ चाहते हैं, पर उनके मन में थोड़ा सा आलस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि मुझे कुछ करना ना पड़े और सब अपने आप से हो जाए। एंड द वर्ल्ड, देखिए, बड़ा क्लोजर देना चाहते हैं, नो डाउट। यहाँ पर देखिए, द फूल की एनर्जी आई हुई है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई हुई है, जितनी भी मशक्क़त, जद्दोजहद सब कुछ करना है वो कर चुके हैं या कर रहे हैं, और उसके आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, क्लोज़र देना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को एंड करना चाहते हैं जो यहाँ पर वो फेस कर रहे हैं। विद स्ट्रेंथ, प्रेशराइज्ड हैं, परेशान हैं, सब्र रखा हुआ है, जितना भी उनको त्याग बलिदान जो करना है वो कर रहे हैं, तो अब उस चीज़ को क्लोज करना चाहते हैं, न्यू चैप्टर को ख़त्म करना चाहते हैं। जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं उनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी नई रीत स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने प्यार को शेयर करना चाहते हैं, अपने लव को आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक अच्छा जेस्चर होता हुआ भी नज़र आ रहा है आपकी तरफ। तो फिलहाल के लिए अगर मैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स की बात करूँ, मुझे और कार्ड शायद लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पर्सन की फीलिंग, बहुत ज़्यादा उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही, बेहतरी की तरफ दिखाई दे रही, न्यू बिगिनिंग की तरफ दिखाई दे रही, अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो सबको लेकर चल रहे थे, अब क्या कह रहे हैं कि अब वो अपने बारे में सोचेंगे। बहुत सोच लिया सबके बारे में, बहुत कर लिया सबके बारे में, अब मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में करना है, और ये जितने भी टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्रेशर, इन सबको मुझे ख़त्म करके क्लोज करना है और एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में शुरू करना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जर्नी समझ सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ख़त्म करके यहाँ पर मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा और अपने लिए चलूँगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है, बैलेंस करना है अपनी चीज़ों को और मैनेज करके अपनी चीज़ों को हासिल करना है
जो मैं पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव ट्रू फीलिंग्स है यहाँ पर आपके पर्सन की आपके लिए, आपकी तरफ एक अच्छा जेस्चर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी न्यूज़ मिल सकती हैं, अच्छे गुड न्यूज़ मिल सकते हैं आप लोगों को। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बड़ा उनके माइंड में चल रहा है, कुछ बड़े चेंजेस उनके माइंड में चल रहे हैं जो कि होपफुली आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स लेकर आएंगे। तो ये है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।